वेलकम बैक नाजरे नाजरे अकबर बाबर साहब असां गॾु मौजूद आहिनि। गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी आहे। बाबर साहब, एक सवाल आपसे पूछो, ये 9 मई के वाक़ियात के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। 9 मई के वाक़ियात हुए, बड़े बड़े लीडरान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और ये भी कह दिया कि 9 मई के वाक़ियात की हम मजम्मत करते हैं। आपके ख्याल में, बींग वानी पवेटिया है, ये लीडरान अगर बराह रास्त मुलवस नहीं है, जिसे आपने खुद कहा कि इमरान खान की हदायत के बगैर नहीं होगा, हदायत इन्हीं लीडरान को ही दी होगी, इन लीडरान ने वर्करोक्स को दी होगी, तो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी और ज्यादती है उसके खिलाफ कि आप वर्कर को तो जेलों में डाल दिया, लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरी जिमा हो गए, इनको तो सजा नहीं मिली? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व है, टॉप लीडरशिप से लेके नीचे सेकेंड टीयर लीडरशिप और फिर वर्कर। अमेरिका में जनवरी 2021 में जब ट्रंप ने इसी किस्म का एक मंसूबा बनाया, उन्होंने कैपिटल हिल पे धावा बोला था और उसमें तकरीबन 2000 के करीब लोग थे, जिनमें से 1000 से ज्यादा लोगों पे फर्ज जुर्म आयद की गई, ठीक है। और वहां पे एक शख्स है, वो सिर्फ जो स्पीकर ऑफ उनकी जो कौमी असेंबली कह ले, उसकी कुर्सी पे दफ्तर में बैठा था, मतलब कितने कई साल की सजा होगी, 4 साल सजा, 5 साल सजा, 12 साल सजा, 18 लगे हुए हैं, कई सौ को सजाएं हो चुकी हैं। उनकी जो लीडरशिप थी टॉप से, जो 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 ऑर्गेनाइज करने वाले थे उनको भी, और उनके जो वर्कर थे उनको भी। तो इसलिए वर्कर मैं मासूम इस, होता है ना सर, इसलिए मैं देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस वर्कर को गुमराह किया गया, उसको मिसलीड किया गया, इसलिए ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लीडरशिप पे आती है। लेकिन आप उस वर्कर से बाजार, लेकिन आप नहीं नहीं ये गलत है। किस कोई कौन सा लीडर आप एक बताते हैं जो बड़ा अभी, अभी तो मामला शुरू नहीं हुए ना, अभी तो केसेस ट्रायल में, अभी तो केसेस बनेंगे, शुरू होंगे। अगर तो कोई इस किस्म की वो तफरीक की जाती है कि जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता है अच्छा जी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी बड़ा अभी ग्राउंड रियलिटी है कि अभी किसी के कोई लीडर है जेल, अभी मुकदमा लीडर्स तो हैं जेल में, नहीं इजाज़ चौधरी के अलावा कोई इतना बड़ा है, लीडर्स है, लेकिन इस मुकदमे में आप बड़ा लीडर। आप ये बात जो इनकी जो टॉप लीडरशिप में अगर कोई शख्स इस अमल में इन्वॉल्व था, किसी सूरत उसकी बख्शीश नहीं होनी चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अलग करके इससे एब्जॉल्व नहीं हो सकते। देखिए ये मैं फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बरीजिमा हो गए, उस्मान बोजदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बरीजिमा हो गए, लेकिन उसके हलके का वर्कर कैद में है। क्यों? उसने उस लीडर की हदायत सुन के वो 9 मई का अमल किया, लीडर आजाद हो गया, वर्कर जेल में है, ये नाइंसाफी आप नजर नहीं आती? अभी ये चीज तय होना बाकी है, अभी ये क्योंकि अमल शुरू, क्योंकि आप बानी रुकन हैं। मैं किसी किस्म का मैं कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि जो लीडरशिप है ना, मसलन अगर एक लीडर को इस फेल में मुलव्वस होने में 10 साल कैद होती है, तो वर्कर को 5 साल होनी चाहिए, क्योंकि वर्कर मासूम था, मिसलेड था, उसको 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 लेके गए इस डायरेक्शन में, इंतशार की सियासत में, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने इक्तदार के लिए। तो मैं ये तो कहता हूँ, लेकिन ये अमल अभी शुरू होना है, ये अभी सिर्फ गिरफ्तारियां हैं, और अमल ये जब आगे बढ़ेगा, अदालतों में जाएगा, अगर इस किस्म की कोई तफरीक की जाती है, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। मैं ये डिमांड करूंगा कि वो जो टॉप लीडरशिप है वो किस कानून के तहत, लेकिन आपने ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क का ये मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो आईन और कानून है ना, वो पावरफुल पे नाफिज नहीं होता। मैं तो खुद उसका विक्टिम हूँ, 3.5-4 साल मैंने पूरे निजाम को बर्दाश्त किया, उसके बोझ को बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया। मैंने कहा मैं अपने असूल से नहीं हटूंगा, मेरे साथ जो करना है कर लें, पर मैं इस असूल की ये बड़ा है, मैं किसी की दुश्मनी में नहीं हूँ। मैं पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, मेरी इमरान से कोई दुश्मनी नहीं है, ना पहले थी ना आज है। बड़े मकसद पे कॉम्प्रोमाइज किया, इमरान मुझे खुद कहता था कि अकबर अगर मैं रास्ते से भटकूँ तो सामने खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं ये और आज उसके नतीजे निकले। अगर आज यही तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म होती, जेन्युइन वर्कर उसके लीडरशिप में होते, ऊपर से नीचे तो ये नौबत ही ना आती। वो वर्कर और वो लीडरशिप जो है वो उसको चैलेंज करते कि ये रास्ता इंतशार का है, ये मुल्क दुश्मनी का है, हमने मुल्क दुश्मनी नहीं करनी। आपने देखिए इसने किया क्या है, ये 9/11 आप कह लें, इसने किसी भी कौम के जो शहीद होते हैं ना, जिस मिट्टी में शहीदों का खून हो वो सरसब्ज और शादाब रहती है, और किसी भी कौम की जो प्राइड है, जो उसका फ़ख्र है, वो उसके शहीद होते हैं। और आप किसी कौम से उसकी प्राइड ले लें, वो कौम ख़त्म हो जाती है, वो
معاشی بدحالی برداشت کر سکتی ہے, وہ بڑے سے بڑی وہ آگے کوئی دشمن آ جائے اس کو برداشت کر سکتے ہیں, اسے لڑ سکتے ہیں. ویتنام میں لوگوں نے ثابت کیا, بہت سارے ملکوں میں, لیکن چھوٹی قومیں, لیکن ان کی نیشنل پرائیڈ تھی. عمران نے ہماری قومی پرائیڈ, ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ جو اس نے شہیدوں کے جو مقامات تھے, جو ان کے مونیومنٹس تھے, اس کو جو ڈسگریس کیا ہے, اس نے ہماری نیشنل ڈگنیٹی اینڈ پرائیڈ پہ حملہ کیا. دس از انفرگیٹیبل اینڈ دس از انفرگیویبل. تو وی شوڈ اسٹارٹ فرام عمران, دا ٹاپ لیڈرشپ, تمام لیڈرشپ کو کٹہرے میں لائیں, کسی سے کوئی ایکسیپشن ہے. اگر ہم نے یہ ایکسیپشن کی تو کل اس سے بڑا سانحہ ہوگا, اس سے بڑا جھتھا آئے گا. تو میں آپ کی اس بات سے بالکل, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں ابھی تھوڑا سا وقت دیں, یہ ثابت ہونے دیں کہ جی اس میں تفریق ہو رہی ہے, پھر میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھنا ان کو کیسے کنڈیم کرتا ہوں. اگارٹنگلی یو اسٹیٹمنٹ کہ آپ پی ٹی آئی کے ریئل بانی ہیں, لیڈر ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پارٹی کو اور اکٹھا کریں گے, تو آپ حکومت سے کوئی بات چیت کریں گے کہ جو ریئل ورکر ہیں, جو ان کے لیے آپ نے کوئی فائٹ کرنی ہے, جو کہ جیلوں میں ہیں, ان کی رہائی کے لیے کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں آپ, اس کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ نہیں, جو شخص عدالت میں اگر جائے گا, جو کورٹس ٹرائلز میں ہوں گے, وہ اس میں اپنی بے گناہی جو ثابت کرے گا, تو لیکن معصومیت کے حوالے سے آپ, لیکن میں حکومت سے, میں حکومت سے, میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں, دیکھیے ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو اوریجنل ورکرز ہیں وہ کئی ضلعوں میں جیلوں میں بھی گئے ہیں, ان سے رابطے بھی کیے, ان کی جو قانونی اگر کوئی مشاورت یا کسی ابھی جو قید ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی بات کر رہا ہوں, تو ان کے لیے جو وہ قانونی اگر وہ ان کو دے سکے اپنے محدود وسائل ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ان کو ڈچ کر دیا نا, پی ٹی آئی کا تو دوسرے والا ہے نا, کہ بڑے بڑے ڈاکو جو آخر ہتھیار ڈال دیتے ہیں ان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ تو آپ کے پاکستانی معصوم, بالکل بالکل نہیں معصوم آپ نہ کہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ورکر معصوم ہوتا ہے, میں نے یہ کہا کہ جو بھی ملوث ہے, میں نے یہ کہا کہ وہ مس لیڈ تھے, گمراہ تھے, ٹھیک ہے. اگر لیڈر 10 سال گمراہ ہونے والا, اگر نہیں معصوم نہیں ہوتا, دیکھیں اگر آپ نے ایک عملی طور پہ ایک جرم, آپ اس میں شامل تھے, آپ نے آگ لگائی, آپ نے کسی شہید کے مانیومنٹ کو تباہ کیا, ان کو تو سخت سزا ملنی چاہیے, تو یہ سارے اسی کے عمل میں حصہ دار تھے نا, اب کوئی زیادہ تھا کوئی کم تھا, لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری لیڈرشپ کی ہے, لیکن آپ ان کو معصوم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو معصوم, ہاں کئی ایسے چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں, اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے پھر وہ معصوم ہے, یاد رکھیے. یہ معصومیت نہیں ہے کہ میں ورکر ہوں, آپ بالغ ہیں, آپ میں سوچنے کی صلاحیت ہے, آپ نے اندھی تقلید کیوں کی, کہ اکبر بابر 9 سال سے یہی نہیں کہہ رہا تھا اندھی تقلید مت کرو, یہ انتشار کی سیاست ہے, یہ دھوکے کی سیاست ہے, یہ اقتدار کی سیاست ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچائے گی, آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں کان دھرا, آپ اللہ نے شعور دیکھے نا, ہر اللہ کہتا ہے نا کہ ایک عمر ہوتی ہے جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے سوچنے کی قوت, یہ ان کے لیے سبق ہے کہ آئندہ وہ اس قسم کی اندھی تقلید نہ کرے. اچھا بابر صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو تحریک انصاف کے لیڈر پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ پارٹی کا کوئی اپنا ہی اندر سے کوئی ڈیسیجن ہوگا کہ ہم سے غلطی ہوگی ہم پارٹی چھوڑتے ہیں, یا آپ کے خیال میں کوئی خاص وجہ سے ان کو پارٹی چھوڑنے میں؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بولا نا, یہ بیسیکلی دھندے پہ تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ دھندہ یہاں ختم ہو گیا, اب یہاں اقتدار کے دروازے بند ہو گئے, ٹھیک ہے, اب وہ کوئی نئی منزل ڈھونڈیں گے, کوئی نئی گھونسلہ ڈھونڈیں گے جہاں ان کو یہ امید ہو کہ پھر ہمیں اقتدار ہمارے قریب آ جائے. یہ سارے ایسے سیاستدان ریلیبل ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے, پاکستان کو اس ڈگر پہ لانے والے یہی سیاست. دوسری سیاسی پارٹی کو مشورہ دیں گے ان سیاست پارٹیوں کو, ان رہنماؤں کو اڈاپٹ نہ کریں؟ دیکھیں یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے, جو مرضی کرے, مطلب وہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی دیکھیں ایک تو سیاسی جماعتیں ہیں, مثلا یہ جو سیاسی فصلی بٹیرے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں آپ کو انگریزی میں کہتا ہوں کہ ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ول اونلی پروڈیوس مور ویسٹ, ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے کام کے نہیں ہے. یہی تو ہم نے تبدیلی لانی تھی پی ٹی آئی کے ذریعے, وہی تو بنیادی تبدیلی تھی کہ ہم نئی کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ سامنے لائیں گے. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارا جو کپتان تھا وہ قزاقوں کے ساتھ مل گیا,
हमारी जो कश्ती किनारे कैसे लग गई, यही तो जंग थी। सही। अच्छा बाबर साहब, आखिर में इमरान खान को आप माजी का तो दोस्त मानते हैं ना, आपका साबिक दोस्त है, तो दोस्त जब मुश्किल वक्त में, अभी उनके ऊपर एक तरह का मुश्किल वक्त है, तो उसने कोई रابطہ किया है या आपने अच्छे दोस्त होने के नाते उनसे रابطہ किया कि आप पे मुश्किल नहीं? हालिया को ये जो अभी वाकयात हुए, मैंने कहा ना कि जब ये आपने 13 में मैसेज किया था, जब वो तो बहुत पुराना है ना, मैंने जब ये केस मेरा फॉर्म फंडिंग का महफूज हुआ था फैसला 21 जून को, तो उसके बाद कुछ लोग आए थे जो दावा करते थे कि वो एलची हैं, अल्लाह वल्ला आलम कि वो बाकी एलची थे या नहीं थे, लेकिन बारह जिम्मेदार लोग थे। तो उन्होंने ये ऑफर की थी उस वक्त कि इमरान खान आपके घर आना चाहता है, आपसे माजरत करना चाहता है, रिटर्न मायदा करना चाहता है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, 2021 की नहीं, 2000 इक्तदार से तो शायद हट चुका था, मार्च अप्रैल में ना ये जब फैसला महफूज हुआ था फॉर्म फंडिंग का 21 जून को। तो खैर मैंने उनको लंबी तकरीर की, मैंने कहा मैं ये मेरे अंदर ये हराम का खून नहीं है, मेरी वफादारी पाकिस्तान से, वैसे कि रابطہ हो, मैं चाहता हूँ कि इमरान खान जो है ना इस वक्त सियासत से रिटायर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, क्योंकि वो क्रिकेट का खिलाड़ी था इसलिए क्रिकेट की जुबान में बात करता हूँ कि एक वक्त आता है कि हर खिलाड़ी रिटायर होता है और अपने पैड्स उतार देता है, और अगर वो नहीं होता और ज़बरदस्ती पिच पे खेलना चाहते हैं और आगे से माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे फास्ट बॉलर हैं और आपकी ना विजन है ना आपकी टाइमिंग है, तो फिर आप रिटायर्ड हर्ट हो जाएंगे। तो बेहतर है रिटायर्ड हर्ट से कि आप पार्टी से, वो चेयरमैनशिप से हटें, पार्टी के जो बानी अराकीन है चांद ही होंगे, हमने क्या करना है, हमने एक कमेटी बनानी है, तमाम तंजीमों को तहलील करना है, हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज बनानी है, मेंबरशिप ड्राइव करनी है, इलेक्शंस कराने हैं, और एक साफ सुथरी कॉम्पिटेंट जेन्युइन क़यादत जिसमें मेरिट हो, जिसमें वर्कर की इज्जत हो, उसको सामने लाना है। अगर मैं ये करने में कामयाब हो, तायात चेयरमैन रह सकते हैं? नहीं, तायात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इमरान खुद तायात के खिलाफ था। पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना पीटीआई का ओरिजिनल, उसमें इमरान खान ने चेयरमैन रहना था 2 टर्म्स के लिए, 3-3 साल। अच्छा। ये उसका अपना आईन, उसका मंजूर शुदा है, वो तो बाद में तेवर बदल गए होना था उसके, जाहिर है, उसके बाद तेवर बदल गए, उसके बाद वही बादशाहत, वही मुतलकल आन, वो हर चीज का सिया सफेद का मालिक। पार्टी में हर इलेक्शन के बाद इमरान खान कहता है मुझसे बड़ी गलती हुई टिकट बांटने में, अगली दफा मैं खुद करूंगा, हालांकि वो खुद कर रहा होता है। अच्छा। ये लॉलीपॉप दे रहा होता है। अभी फिर लेटेस्ट अभी जो किया, फिर एक कमेटी बना दी, इससे पहले एक कमेटी बनाई, उसने कहा कि जी पीटीआई की जो टिकट बांटने की जो तरीका था वो मछली बाजार का मंजर पे, ये लिखा हुआ है रिपोर्ट में, रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में, तस्नीम नूरानी उसके हेड थे और एक दो और मेम्बरान थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। सबसे बड़ी जो तब्दीली इस वक्त आनी चाहिए वो उसकी समझ आनी चाहिए कि वक्त गुजर गया, आपने जो करना था आपको अल्लाह ने मौका दिया, बेहतरीन मौका दिया, आपके साथ आपकी सियासत ठीक चल रही थी, आपके पास असेंबली में मेजॉरिटी थी, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, आप चाहते पाकिस्तान को एक नई डगर पे डाल सकते थे, आप लोगों के जो जख्म है उस पर नमक की बजाय मरहम रख सकते थे, आप लोगों को रोजगार दे सकते थे, आप लोगों की महंगाई कंट्रोल कर सकते थे, आप पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते थे, आप बाहर से सरमाकारी ला सकते थे, तमाम हालात उसके लिए तैयार थे। लेकिन जब इंसान की आंखों पे पर्दा और दिल पे मोर लग जाए और वो सिर्फ मुतलकुलनान इक्तदार और बादशाह, अब देखे ना वो कहता है लेकिन वो अब कहते हैं अभी भी अभी 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 जो बीबीसी का इंटरव्यू दिया उसने क्या किया, आपने पढ़ा है अभी जो उसने इंटरव्यू दिया जिसको बाद में कहा कि इसको वापस ले लो जी, क्या कह रहा है, कहते हैं अगर मैं नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान क्या होगा, मतलब वो अपने आप को पाकिस्तान से भी अब बड़ा समझने लग गया। आईन से तो खैर, आईन तो कुछ उसके सामने हैसियत नहीं थी, कानून तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं थी। तो ये वो कैफियत है जिसमें इंसान जब अल्लाह की गिरफ्त में आ जाए उसके नसीब में सिर्फ तबाही है। अकबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहरान टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब असमगढ़ मौजूद हुआ आज प्रोग्राम में, खूबसूरत गुफ्तगू की थी, तमाम सियासी मामला हैं खासतौर से पीटीआई जो मुस्तकबिल बानी रुकन रेहान तहरीक इंसाफ जहाँ मुस्तकबिल छा रहा तो तहरीक इंसाफ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के छा स्टैंड वर्षन घुर्जे इन सजे मामले गालबुल किसी मुतसर की दीदा इजाज़त इंदर हफ्ते बेराज दिना से।